हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ठेकुआ, जो कि बिहार की फेमस रेसिपी है और इसको ख़ास तौर से छठ पूजा में बनाया जाता है। और इसको मैंने बिना सांचे के बनाया है, आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छा ठेकुआ बना है। तो आइए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप आटा लिया है, मतलब 1 कप और 1/2 कप। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 1/2 कप और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप नारियल, और ये मैंने ग्रेट कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं नारियल को काट के नहीं डाल रही हूँ, इस तरह से डालेंगे। तो ये 1/2 कप नारियल और 1/2 कप गुड़। गुड़ को मैंने अच्छे तरीके से बारीक कर लिया था, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि गुड़ का टुकड़ा इसमें नहीं रहना चाहिए, तो इसको अच्छे से बारीक कर लें और फिर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएं। और ये देखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिल चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना दूध यूज़ करेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को गूंद लेंगे, और आटा गूंदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे, एक साथ सारा दूध नहीं डालना है। और हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। और ये देखिए, हमारा डो रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो इस तरह से हमें डो बना लेना है। फिर उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप अगर चाहें तो इसको गोल में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। आप जिस तरह से ठेकुआ बनाना चाहते हैं उस वैसा शेप आप दे दें। फिर उसके बाद हम इसको हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे, ये देखिए। और ये मैंने फोर्क लिया है, इससे हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, आपको सांचे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचा से बना लीजिए, लेकिन इससे भी बहुत इजीली डिज़ाइन बन जाती है और बहुत अच्छी भी। और ये देखिए, बिना सांचे के भी बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी है। और यहाँ पे मैंने तेल गर्म कर लिया है। अब एक एक करके ठेकुआ हम डालेंगे, फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे, और जब ठेकुआ थोड़ा सा पकने लगेगा तो फ्लेम को हम लोग लो पे कर देंगे। तब ठेकुआ जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पकेगा और एकदम सॉफ्ट और खस्ता ठेकुआ बनेगा। इस तरह से दोनों तरफ से आप ठेकुआ को अच्छे तरह से फ्राई कर लें। और इस जगह मैंने फ्लेम को एकदम लो कर दिया था, और ठेकुआ जो है वो देखिए एकदम ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ठेकुआ बना है, ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से आप ठेकुआ को फ्राई कर लें। और फ्रेंड्स, ये ठेकुआ हमारा बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।